सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की। तो हम देखेंगे कि आखिर न्यूमेरिकल्स को कैसे टैकल करना है, इजी से कैसे सॉल्व कर लेना है। तो चलो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करते हैं, लेट्स बिगिन विद मी। तो स्टूडेंट्स, ये आपका पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, काफी आसान सा क्वेश्चन है, बस ध्यान से देखना। दिया हुआ है कि एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस आर है। तो मैं एक वायर लंबी सी ड्रॉ कर देता हूँ, ऐसे लंबी सी मैंने वायर ड्रॉ कर दी है, इसकी रेजिस्टेंस आर है, इसकी कुछ लंबाई है, तो मैं कह सकता हूँ कि इसकी लंबाई एल है, कह सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि कुछ मीटर में तो नहीं दिया गया, तो मैं एल ले लेता हूँ। रेजिस्टेंस भी कोई वैल्यू नहीं दी गई है, सीधे बोला गया कि इसकी रेजिस्टेंस आर है, गुड। अब इसको पांच इक्वल भागों में बांट दिया जाता है। सोचो इस तार के अगर पांच इक्वल टुकड़े होंगे तो हर एक टुकड़े की लंबाई क्या होगी, हर एक टुकड़े की लंबाई एल बाई फाइव होगी। सोचो ऐसा कि ये 20 मीटर लंबा तार होता, तो अगर इसको पांच भाग में तोड़ते तो सब चार चार मीटर का होता, चार पचे 20 होता ना, तो यहाँ पे चार चार हो जाते। उसी तरह से L बाई फाइव मैंने लिख दिया, पांच इक्वल भागों में, तो L बाई फाइव यहाँ भी बना सकते हो L बाई फाइव। ये पांच टुकड़े हैं, इसी वायर के टुकड़े हैं L बाई फाइव, ठीक है, इसी वायर के टुकड़े हैं पांच। अगर तुम इन्हें फिर से जोड़ दोगे ना, L बाई फाइव, L बाई फाइव, L बाई फाइव सबको जोड़ दोगे तो फिर L ही ना हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे कहा गया है कि इनको अगर फिर से पैरेलल कंबाइन कर दिया जाए तब रेजिस्टेंस जो आता है वो आर डैश आ जाता है। और फिर पूछा जाता है कि अब बताइए आर बाई आर डैश का रेशियो क्या है। टेंशन नहीं लेना है, देखो कैसे होगा, इसकी रेजिस्टेंस नहीं पता है ना तुम्हें, तुम्हें करना क्या है, इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाना है, इन सभी को पैरेलली कंबाइन कर देना है। रेजिस्टेंस नहीं पता, कैसे करोगे कंबाइन, तो रेजिस्टेंस निकालेंगे, और निकालना बहुत आसान है। क्या जानते हैं, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, ये सबने पढ़ा होगा हमें, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। जैसे जैसे लेंथ में बदलाव होगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस में बदलाव होगा, अगर लेंथ बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, लेंथ घटेगा तो रेजिस्टेंस भी घटेगा, लेंथ दुगना हो जाएगा तो रेजिस्टेंस भी दुगना हो जाएगा, और अगर लेंथ एल बाई फाइव हो जाए, मतलब लेंथ अगर एक बट्टा पाँच हो जाए अपने पहले लेंथ की तुलना में, तो रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस भी आर बाई फाइव हो जाएगा। देखो हूबहू हो रहा है, अगर लेंथ पांच इक्वल भागों में बट गया ऐसे L बाई फाइव L बाई फाइव, तो रेजिस्टेंस भी पांच इक्वल भागों में बट जाएगा। तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं, तो मान के चलो कि 100 रुपये की संपत्ति थी किसी घर की, 100 रुपये की संपत्ति थी और 100 को पांच इक्वल भागों में बांट दोगे तो 20 20 20 20 सबको बटेंगे। कैसे तुमने तय किया, तुमने पूरे संपत्ति को पांच से भाग कर दिए। तो इसी तरह से मेरी पूरी संपत्ति आर रुपये की थी, अब आर को मैंने पांच भाग में बांट दिया, आर बाई पांच आर बाई पांच आर बाई पांच, अब तो समझ में आ गया कि रेजिस्टेंस आर बाई पांच होगा, कैसे होगा ये भी समझ में आ गया। अब इसको पैरेलली कंबाइन कर देते हैं, करते हैं पैरेलली कंबाइन, पहले जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है सर। तो 1 बाई आर पी इक्वल 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू प्लस, और फिर जितने भी रेजिस्टेंस आ जाए 1 बाई आर वन, ऐसा लिख सकते हैं, ये है मेरा फॉर्मूला। अब इसे बनाना कैसे है, तो देखो 1 बाई आर पी, सोचो 1 बाई आर वन कितना है, आर वन कितना है, देखो ये इसको हम आर वन बोलेंगे, आर बाई फाइव को यहाँ पर लिखोगे आर बाई फाइव, आगे भी तो वही है R बाई फाइव है, तो ये भी लिखेंगे R बाई फाइव, और इस तरह से कितनी बार लिखना पड़ेगा, पांच बार लिखना पड़ेगा, पांच बार लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत ज्यादा लगेगा आपको पांच बार लिखने में। क्या इसी चीज को मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ 1 बाई आर पी इक्वल ये पांच ऊपर भागेगा, सोचो पांच ऊपर भागेगा तो पांच बाई आर हो जाएगा ना। और एक ही चीज को अगर तुम पांच बार लिख रहे हो तो क्यों ना इसको पांच से गुना कर दिया जाए, क्या दिक्कत है, सोचो अगर ऐसा कुछ हो। मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ कि 2 + 2 + 2 + 2 + 2, इनमें से कई लोग जानते होंगे कि ये क्या होता है, 2 को पांच बार जोड़ो 10 आते हैं रिजल्ट, पर अगर यही 2 को 5 से गुना कर देते तब भी तो 10 ही आते ना, तो रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं भी यहाँ पे भी क्या करूँगा, अगर एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है तो उसको नंबर ऑफ टाइम्स से जितनी बार वो रिपीट हो रही है उससे गुना कर दूंगा, 5 बार रिपीट हो रही थी तो 5 से गुना कर दिया। यहाँ क्या आया वैल्यू, 1 बाई आर पी इक्वल 25 और 25 बाई आर आ जाएंगे, सिंपल है। पर क्या ये रिजल्ट है क्या, नहीं, क्योंकि ये 1 बाई आर पी है, मुझे क्या निकालना है, आर पी निकालना है, तो आर पी इक्वल क्या हो जाएगा, आर पी इक्वल हो जाएगा, सोचो आर पी लिखने के लिए पलट रहे हो, इसको आप आर पी बाई 1 भी कह सकते हो, 1 का क्या महत्व रह जाता है, कुछ नहीं। तो अगर आर पी ऊपर भाग जा रहा है तो ये आर ऊपर भाग जाएगा, 25 नीचे आ जाएगा, उलट जाएगा, आर बाई 25, हमेशा ये याद रखना, पैरेलल में क्या कर देना है, पलट देना है। तो रिजल्ट मेरा कितना आया है, आर बाई 25। अब क्या बोल रहा है कि अगर पैरेलल में कनेक्ट करोगे
तो इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस इज आर डैश, कहा जा रहा है कि अगर तुम पैरेलल में कनेक्ट करोगे ना तो रेजिस्टेंस आर डैश आ जाएगा। मेरा कितना रेजिस्टेंस आया आर बाई 25, और इसी को तो आर डैश कहा जा रहा है, इसी को आर डैश कहा जा रहा है। मतलब कि आरपी और आर डैश दोनों सेम चीज है। मैंने आरपी लिखा है, वो कह रहा है आर डैश। मैं क्या करूंगा, मैं इसे ले लूंगा कि चलिए सर कोई बात नहीं, आर डैश कितना है आर बाई 25। और क्या पूछा गया, और ये पूछा गया कि रेशियो बताइए R by R dash का। तो सोचो पहले रेजिस्टेंस R था, बोल दिया पहले ही कि ऑफ रेजिस्टेंस R, अब रेजिस्टेंस कितना है R dash है, करो R by R dash कितना निकाल के रखे हम लोग, R by 25 यूज कर लो, R by 25। यहाँ पे R by R dash इक्वल, ये 25 ऊपर भागेगा क्या, बिल्कुल R into 25 by R, ये R R कैंसिल हो गया क्या, बिल्कुल। तो R by R dash कितने आ गए हैं रिजल्ट देखो, तो 25 आ गए हैं, है क्या आंसर में 25 है, देखो डी हमारा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्लियर है। अब आगे प्रॉब्लम देखते हैं। तो ये देखिए, ये है आपका एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करना है। लिखा हुआ क्या है पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर, इनमें से कौन जो है इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला नहीं है। बहुत ही आम भाषा में कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिकल पावर का सिंपल सा बेसिक सा फॉर्मूला होता है वी आई, जो कि है यहाँ पे, तो ये तो आंसर नहीं होगा क्योंकि जो नहीं है वो ढूंढना है। तो ये है, इसको साइड करो, सी आंसर नहीं होगा क्योंकि सी तो होता ही है फॉर्मूला। अब आगे आते हैं, तो आप जानते हैं कि वी इक्वल क्या होता है, आई आर होता है ओम्स लॉ के अनुसार। तो यहाँ पे वी के जगह पे आई आर अगर हम लगा दें और इंटू आई करें तो ये क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर आर बन जाएगा। देखो तो ऑप्शन में आई स्क्वायर आर है, ऑप्शन हाँ आई स्क्वायर आर है, तो ये भी तो फॉर्मूला हो गया ना। कहने का मतलब ए और सी नहीं होगा क्योंकि ये भी तो फॉर्मूला में आ गया, जो नहीं है फॉर्मूला में वो निकालना है। फिर और क्या कर सकते हैं, सोचो V इक्वल आई आर से ही हम ये भी बना सकते हैं कि I इक्वल V बाई आर भी तो हो सकता है सर, बिल्कुल I इक्वल R ऐसे आ जाएगा V बाई आर। फिर से लगाते हैं V I पे, V के जगह पे V लिखते हैं, I के जगह पे V बाई आर लिखते हैं, V बाई आर क्या हो जाएंगे V स्क्वायर बाई आर। देखो तो ये भी है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल है, ये भी ऑप्शन में, मतलब कि D भी आंसर नहीं होगा, P इक्वल वी आई भी नहीं होगा, C भी नहीं होगा, A भी नहीं होगा, क्या होगा आंसर, ये वाला होगा आई आर स्क्वायर। ये जो है पावर का फॉर्मूला नहीं हो सकता क्योंकि हमने चेक कर ली पॉसिबिलिटीज, ये वाला नहीं होगा। अब चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपका थर्ड क्वेश्चन एनसीईआरटी का लिखा हुआ है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब जिसकी रेटिंग 220 वोल्ट है और 100 वाट कंज्यूम कर रही है। तो अब जब भी आप कोई बल्ब खरीदने जाते हो तो उसमें रेटिंग लिखी होती है कि हाँ ये 220 वोल्ट के आसपास चलेगी, इतने वोल्टेज में मस्त काम करेगी और 100 वाट ये कंजम्पशन करेगी पावर का। अब देखना, हर एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की अपनी रेजिस्टेंस होती है कि वो कितना रेजिस्टेंस किसी सर्किट में पैदा करेगा। तो ये बल्ब जो होगी ना, इसकी भी अपनी एक रेजिस्टेंस फिक्स होगी। कोई भी इक्विपमेंट, जैसे फैन आप लेते हो तो वो एक खास प्रकार का रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, खास अमाउंट में पैदा करता है रेजिस्टेंस। एसी एक खास अमाउंट में रेजिस्टेंस पैदा करती है। तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की रेजिस्टेंस फिक्स होती है। अब आगे क्वेश्चन क्या है, ये बस दिमाग में रखना, रेजिस्टेंस फिक्स होगा। व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, अगर इसी बल्ब को 220 वोल्टेज पे ना ऑपरेट करके 110 वोल्ट पे ऑपरेट किया जाए तब क्या परिवर्तन होगा। कहने का मतलब अब कितना पावर खर्चा करेगी, कितना पावर उठाएगी, पहले तो 100 वाट कंज्यूम कर रही थी पावर, अब कितना पावर, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, कितना वाट क्वेश्चन मार्क, कैसे बनाओगे। तो देखो पावर इक्वल क्या होता है फॉर्मूला, वी आई होता है, पावर इक्वल वी आई होता है। अब तुम सोच रहे हो सर पावर इक्वल वी आई होता है तो यहाँ पर तो मुझे दिया हुआ है कि वोल्टेज 220 है, पावर भी 100 वाट है, तो क्या हो जाएंगे 220, सॉरी वोल्टेज पे क्या लिखना है 220, पावर कितना है 100 वाट और इनटू आई करेंगे तो सर, तो आई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई निकल जाएगा, आई जो भी निकलेगा, और फिर से सर पी आई पी इक्वल वी आई कर देंगे और फिर क्या करेंगे, वोल्टेज अब 110 पे चलाना है, करंट निकला हुआ है और यहाँ से पावर निकाल देंगे, जो कि गलत है, आप इस तरह से नहीं बना सकते हो। ऑफकोर्स कई ऐसे प्रॉब्लम्स में आप ऐसे बनाओगे, जायज भी होगा, पर इस प्रॉब्लम में आप ऐसे नहीं बनाओगे। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप आई के बारे में श्योर नहीं हो, आई के बारे में आप श्योर नहीं हो, क्योंकि क्या कर रहे हो आप देखो अल्टीमेटली आप वोल्टेज बदल रहे हो ना वोल्टेज, पहले 220 वोल्ट आप यूज कर रहे थे, अब 110 वोल्ट यूज कर रहे हो। क्या आपने नहीं पढ़ा है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I? ओम्स लॉ क्या कहता है कि अगर आपकी रेजिस्टेंस फिक्स हो, मैंने कहा ना जो बल्ब आप ला रहे हो बाजार से वो बल्ब तो आप चेंज नहीं करोगे ना, वही बल्ब पे ना एक्सपेरिमेंट करना है, वही बल्ब ना लगी हुई है, मान लीजिए तुमने वोल्टेज कम कर दिया
पर दूसरा बल्ब तो तुम नहीं यूज कर रहे हो, उसी बल्ब को यूज कर रहे हो, तो ऐसे में रेजिस्टेंस फिक्स होगी, कह सकते हो रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगी, रेजिस्टेंस पे कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि बल्ब तो वही है। तो अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो ओम्स लॉ कहती है इफ रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ऐसे में 220 वोल्टेज के समय करंट I1 होगा और 110 वोल्ट के समय करंट I2 होगा, करंट बदल जाएगा। तो तुम वही करंट को यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, वही करंट को यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो आई को लेके कोई इक्वेशन नहीं बनाना क्योंकि गलत बन जाएगा। ऐसे में मैं किसको लेके इक्वेशन बनाऊंगा, जो चीज कांस्टेंट है, जो नहीं बदल रही है, जैसे कि रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस लेके कैसे इक्वेशन बनाएंगे, चलिए देखते हैं। देखिए पी इक्वल वी आई होता है ना, रेजिस्टेंस इसमें डालना है, करंट को हटा देना है, क्या यूज करेंगे, ओम्स लॉ यूज करेंगे, वी इक्वल आई आर। अब अगर करंट को हटाना चाहते हो तो आई इक्वल क्या हो जाता है, वी बाई आर हो जाता है, होता है। ये आई का वैल्यू यहां पे पुट कर दें, पी इक्वल वी इंटू आई इक्वल क्या है, वी बाई आर है, तो वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। तो अब आपको ये वाला जो फॉर्मूला है, जो अभी मैंने डिराइव किया, ये फॉर्मूला पे बनाना है। कहीं आई है बताओ, नहीं है, रेजिस्टेंस भी नहीं बदलेगी बल्ब की, वोल्टेज बदल रही है तो वो हम मेंशन करेंगे। चलो देखते हैं, पहले पावर वी स्क्वायर बाई आर है, तो वी कितना था पहले, 220 था, 220 है तो इसको दो बार लिख देते हैं, स्क्वायर है ना, दो बार लिखना पड़ेगा। रेजिस्टेंस कितनी है बल्ब की, रेजिस्टेंस कितनी है बल्ब की, नहीं पता। पावर कितनी है बल्ब की, पहले कितनी थी, 100 थी, 100 लिख दो। अगर यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल लें तो अगली बार भी तो रेजिस्टेंस वही रहेगा, करंट ना बदलती, रेजिस्टेंस थोड़ी बदल रही है। रेजिस्टेंस इक्वल ऐसे घूमेगा ये, 220 गुने 220 और बाई यहाँ पे 100 होंगे, देखो तो यहाँ पे रार ऐसे घूमेगा, 100 इधर धकेल देगा इसको, ये जीरो ये जीरो ये जीरो आपस में लड़ाई कर लिया, खत्म हो गया, जीरो 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 खत्म। 22 को 22 से गुना करोगे तो क्या आ जाएगा, 484 आ जाएगा, 22 का स्क्वायर 484 होता है। यूनिट मत छोड़ना बाबू, 484 ओम जरूर लिखना, बिल्कुल सही। अब आते हैं दूसरे केस में कि अब पावर इक्वल वी आई अगर करे, पावर इक्वल क्या है, वी स्क्वायर बाई आर, यही वाला फॉर्मूला ना यूज कर रहे हैं, पावर इक्वल वी स्क्वायर बाई आर यही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। अब वोल्टेज कितना कर दिया गया है बताओ, 110 कर दिया गया है, तो 110 को दो बार लिखना पड़ेगा। क्या रेजिस्टेंस बदलेगा, नहीं, वही बल्ब है तो रेजिस्टेंस जो निकाला है हमने वही लगेगा, 484 होगा ये। अब 11 इसको कितने बार में काट देगा, मैं 10 की बात नहीं कर रहा हूँ, एक काम करो, ये जीरो ऐसे हटा दो, ये जीरो ऐसे हटा दो और गुना यहाँ पे 100 लिख देंगे तो चलेगा क्या, कोई दिक्कत है, 11 गुने 11 गुने 100 कोई दिक्कत नहीं। 11 से इसको काटो कितने बार में कटेगा, 11 चक 44 और फिर 4 बचे, 11 चक 44 और फिर ये 4 इसको बार में काट देगा, 11 चक 44 4 इसको 25 बार में काट देगा। ये सब कैलकुलेशन तुम कर लोगे मुझे ऐसा लगता है। यहाँ पे कितने आए हैं रिजल्ट, 25 आए हैं, 25 आया ना, मतलब कि पावर कितना होगा, 25 वाट होगा, यूनिट देना मत भूलना। तो आंसर क्या हो गया, आंसर ये हो गया कि अगर इस बल्ब को जिसकी कुछ खास रेजिस्टेंस थी, कितनी 484 हो, अगर 220 वोल्ट पे यूज करोगे तो 100 वाट कंज्यूम करेगी, 100 वाट खाएगी, और अगर 110 वोल्ट पे यूज करोगे तब कितनी खाएगी, 25 वाट। ये है आंसर, क्लियर। तो स्टूडेंट्स, ये आपका चौथा क्वेश्चन एनसीईआरटी का, बहुत ही आसान, फिर से लिखा हुआ है, टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल, दो कंडक्टिंग वायर बना ले, सेम मटेरियल के होंगे, तो एक बार मैं ये ले लेता हूँ, तो अगर इसको लाल से ड्रॉ कर रहा हूँ तो इसको भी लाल से ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि मटेरियल क्या बोला है, सेम बोला है, बस एग्जांपल के लिए, मटेरियल दोनों सेम है, अगर ये कॉपर है तो ये भी कॉपर, ओके, एंड ऑफ इक्वल लेंथ, अगर ये 4 मीटर लंबा है तो ये भी 4 मीटर की लंबाई हो गई, ओके, एंड इक्वल डायमीटर्स, जितना थिकनेस इस वायर का है उतना ही थिकनेस इस वायर का होगा, ठीक है, एकदम परफेक्ट, आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज। तो आप खुद सोचो कि अगर कोई तार आपस में आइडेंटिकल हो, आइडेंटिकल मतलब कि आपने कॉपर की वायर ली बाजार से खरीदी और उसको दो इक्वल भाग में काट दिया तो ये जो रेजिस्टेंस पैदा करेगा उतना ही रेजिस्टेंस ये भी पैदा करेगा। अगर सब कुछ सेम है, लेंथ सेम है, डायमीटर सेम है, डायमीटर कहने का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, मटेरियल भी सेम है, मटेरियल मतलब रेजिस्टिविटी, मटेरियल की रेजिस्टिविटी सेम है, तभी तो मटेरियल भी हम सेम कह रहे हैं। तो अगर सब कुछ सेम है तो जितना रेजिस्टेंस ये पैदा कर रहा होगा उतना ही रेजिस्टेंस ये भी पैदा करेगा, तो मैं कह सकता हूँ इसकी रेजिस्टेंस आर है तो इसकी भी रेजिस्टेंस आर है। अब एक बार इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दो और एक बार इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दो, यही कहा गया ना। पहले चलो इंग्रेडिएंट तैयार कर लेते हैं। अगर इसको सीरीज में हम कनेक्ट करेंगे, सीरीज में अगर हम इसको कनेक्ट करते हैं तो आर एस इक्वल क्या होता है, फॉर्मूला R1 प्लस R2 होता है, ये क्या देगा R प्लस R, कितने आ जाएंगे, 2R आ जाएंगे। सीरीज में कितना आया है,
यहाँ पे नोट डाउन कर लो, सीरीज में अगर कनेक्ट करेंगे तो 2R आ जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब पैरेलल में करते हैं, पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R1+1/R2 और फिर डॉट 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 जो भी लिखना, पर यहाँ पे दो ही रजिस्टर है, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो R1 भी R है और R2 भी R है, इसलिए मैं यहाँ पे R1 R2 नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि दोनों तो R ही है ना, 1 R/1 ये 1/R+1/R। LCM लोगे R आएगा, देखो यहाँ पे 1+1 होगा, ये कितना हो जाएगा 2/R, पर क्या ये रिजल्ट है, नहीं बिल्कुल नहीं। मैंने कहा है आपको, सावधान किया है कि जब आप पैरेलल रेजिस्टेंस की बात करते हो ना तो इसको पलटना पड़ता है, क्योंकि आपको क्या चाहिए, RP चाहिए, पलटोगे तो ये भी पलटेगा, तो इस तरह से RP क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। आधा समझ में, ये जो है इस डेटा को अभी के लिए बचा के रखो, इसका इस्तेमाल होगा। अब आते हैं कि अगर उसको हम सेम पोटेंशियल डिफरेंस में करते हैं तो बिल्कुल सेम पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाए, द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन विल बी, रेशियो पहले हम लोग रेजिस्टेंस निकाल चुके हैं सीरीज और पैरेलल में, वोल्टेज दोनों को सेम दिया जा रहा है, कहने का मतलब पहले अगर 220 वोल्ट दिया जा रहा है तो पैरेलल में भी 220 वोल्ट दिया जा रहा है, और फिर क्या पूछा गया है कि हीट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, इसको मैं अरेंज कर सकता हूँ, ये तो समझ में आ गया। आते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। इमेजिन करो ऐसे एक सर्किट बना रहा हूं मैं, जहां पे सीरीज में मिला के 2R हो गया, ठीक है, R 2R हो गया, और इसको ऐसे मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दी, ऐसे बैटरी से कितना वोल्ट दे रहा हूं, V दे रहा हूं, जितना इसको वोल्टेज दूंगा उतना ही पैरेलल वाले को भी दूंगा। सोचो ये सीरीज में था, ऐसे ऐसे था R और R था, 2R हो गया था। अब मैं पैरेलल में अगर दो रजिस्टर को कनेक्ट करता हूं तो मैं इस तरह से कनेक्ट करूंगा, इस तरह से R और R, और यही ना R मिलके R/2 आया पैरेलल में, तो दोनों में मैं V ही दे रहा हूँ, कुछ भेदभाव नहीं, इसने जितना वोल्टेज 20 वोल्ट दिया तो इसमें भी 20 वोल्ट दिया, और फिर बोलता है कि इन दोनों में हीट कितना जनरेट हो, क्या पकड़ना है कि क्या कांस्टेंट है, देखो वोल्टेज सेम है दोनों में, क्या करंट सेम होगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है हीट का फॉर्मूला होता है I²RT, क्या ये फॉर्मूला यूज करना सेफ होगा, तो नहीं होगा सेफ। क्यों नहीं होगा सेफ, क्योंकि यहाँ पे आप रेजिस्टेंस के बारे में तो श्योर हो सकते हैं कि रेजिस्टेंस सर मैंने निकाल लिया है 2R होगा और पैरेलल में R/2 होगा, पर क्या करंट के बारे में श्योर है, नहीं है श्योर, क्योंकि सीरीज में करंट टूटता नहीं है, ब्रेक नहीं होता है, पर पैरेलल में करंट देखो दो हिस्सों में यहाँ पे टूट जाएगा, अलग अलग वायर हो गए ना, तो यहाँ पे I1 हो जाएगा, यहाँ पे I2 हो जाएगा, फिर पिछले क्वेश्चन के जैसा कि करंट टूट रहा है तो करंट पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, किस पे भरोसा करेंगे, वोल्टेज पे, वोल्टेज नहीं बदल रहा है, तो इस करंट को हटा दो। कैसे हटाओगे, तो मैं जानता हूं कि फॉर्मूला ओम्स लॉ क्या है, V=IR, जहां पे कुछ ना समझ में आए ओम्स लॉ जिंदाबाद, तो V=IR होता है, चलो करते हैं हीट इक्वल करंट के जगह पे क्या करें, करंट यहां से क्या निकल सकता है, V/R हो सकता है, करंट I=V/R हो सकता है, मैं यहां पे V/R लगा दूं, और चूंकि I का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, V/R का भी स्क्वायर, R T लिख सकते हैं ना। इसी को हम ऐसे बना सकते हैं कि अब H क्या आ गया, अब H आ गया V²R² × R × T, ये R इसके एक स्क्वायर को काट देगा, ऐसे काट देगा, यहाँ से फॉर्मूला क्या बन गया, H=V²R T, ये फाइनल फॉर्मूला है जो आपको यूज करना है अभी। क्यों मैंने I को हटाया, I को हटाने के पीछे एक मजबूरी ये थी कि I बदल रहा था, तो मैं ऐसे में वो इक्वेशन दोनों के लिए यूज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि करंट यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, बदल जा रही है, वोल्टेज सेम है, इसलिए मैंने ये यूज किया है। चलो अब इसको इरेज कर देते हैं। अब निकालते हैं रेशियो क्या होगा, तो रेशियो निकालना आसान है, क्या करते हैं यहाँ पे HS ऐसे लिख दो और S2HP लिख दो, यहाँ पे बताएगा हीट इन सीरीज, यहाँ पे बताएगा हीट इन पैरेलल, ये बीच में क्या साइन है, रेशियो का साइन है। आते हैं HS इक्वल क्या हो जाएगा, V²R और सीरीज का रेजिस्टेंस RS × T, HP क्या हो जाएगा, V²R पैरेलल का रेजिस्टेंस × T। अब यहाँ पे काटना शुरू करो, सोचो जितना देर के लिए यहाँ सीरीज में सर्किट, जितना देर के लिए सीरीज वाले सर्किट में जितने देर के लिए करंट दौड़ेगा उतना ही पैरेलल में भी दौड़ेगा, तो टाइम तो सेम होनी चाहिए, टाइम क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, जितना वोल्टेज सीरीज वाले को मिला था उतना ही वोल्टेज पैरेलल वाले को मिला है, तो वोल्टेज भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि दोनों तो सेम है, इधर 20 होंगे तो इधर भी 20 होंगे, 20 का स्क्वायर 400 होगा तो यहाँ भी 20 का स्क्वायर 400 होगा, खत्म हो गया, बचा क्या, बचा 1/RS इज इक्वल सॉरी इन रेशियो विद 1/RP। देखो तो RS कितना है, RS यहाँ से क्या निकाले थे, 2R निकाले थे, S2, RP कितना निकाले थे, R/2 निकाले थे,
निकाले थे, ये आर और आर कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा, और ये टू जो है वो भाग के ऊपर पहुंच जाएगा, क्या हो जाएगा ये वन बाई टू, यहाँ पे टू है इस टू, और ये टू भाग के ऊपर पहुंच गया तो टू होगा, ये टू, और नीचे कुछ नहीं बचा तो वन। अब ये दो ऐसे इधर घूमेगा, दो ऐसे घूम जाएंगे बाबू, तो वन इस टू क्या हो जाएंगे फोर, जब भी रेशियो हो ना वन बाई टू, और ये वन का कोई मोल नहीं है, वन का कोई मोल नहीं है, टू बाई वन करोगे तो टू ही आएगा, तो वन बाई टू इस टू टू है, तो दो ऐसे घूमेगा इसके साथ गुणन हो जाएगा, दो दोने चार, और ये वन इस टू चार आपका आंसर हो गया, हीट इन सीरीज विद हीट इन पैरेलल। अगर सीरीज में एक ओम पैदा हो रहा है तो उसी समय पैरेलल में चार ओम पैदा होंगे। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व, उतार लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने नहीं लिखा है, काफी आसान सा क्वेश्चन था, पूछ रहा था कि आखिर वोल्टमीटर का तुम पैरेलल में क्यों कॉम्बिनेशन करते हो, तो सिंपल है इसका जवाब, वोल्टमीटर करती क्या है, दो पॉइंट के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर करती है, जैसे ये दो पॉइंट है ए है और बी है किसी वायर में, तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इसके बीच का डिफरेंस, तो इसके बीच का डिफरेंस कैसे निकालोगे, वोल्टमीटर का यूज करके, कैसे कनेक्ट करोगे पैरेलली, इस वायर के साथ पैरेलली, तो बस इसीलिए हम कनेक्ट करते हैं। अब आते हैं 6th क्वेश्चन पे, ये भी आसान सा क्वेश्चन है, सारे आसानी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। लिखा हुआ है एक कॉपर वायर है जिसकी डायमीटर 0.5 mm, बस इंग्रेडिएंट तैयार करते चल जाओ, ये कॉपर वायर है, इमेजिन कर लो ऐसे इस तरह से, अब इसको मैंने जूम कर दिया, जूम कर दिया थोड़ी सी मोटी दिख रही होगी, लंबा दिख रहा होगा, और जिसकी डायमीटर ये जो देख रहे हो हिस्सा ऐसे, ये है तुम्हारा डायमीटर, डायमीटर कितनी है 0.5 mm, इसको पहले ही सॉल्व कर लेते हैं। सोचो कि अगर डायमीटर दी हुई है तो रेडियस नहीं निकलेगी क्या, रेडियस निकालते हैं, रेडियस इक्वल क्या होता है डायमीटर बाई टू होता है, ये काम का आएगा तुम्हें, रेडियस काम आएगा, तो डी बाई टू करेंगे तो 0.5/2 mm हो जाएगा, हो जाएगा ना, तो ये 0.25 mm क्या हो गई रेडियस होगी, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, 5/20 भी लिख सकते हो, 5/20 करोगे, 5/20 करोगे तो ये कट जाएगा, कितने आ जाएंगे 0.25 आ जाएगा, और ऐसे भी सोचो 0.50 था तो आधा क्या होगा 0.25 mm ही ना होगा, तो ये तुम्हारी जो वैल्यू हो गई ये क्या हो गई रेडियस हो गई, दिस इज योर रेडियस ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन, इसको ए बोलते हैं ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है रेजिस्टिविटी 1.6 × 10⁻¹⁸ है, तो ये भी वैल्यू नोट कर लो, रेजिस्टिविटी कितनी है 1.6 × 10⁻¹⁸ ओम मीटर, ये तो SI यूनिट में है, बिल्कुल सही, SI यूनिट में ये नहीं है, MM क्या होता है SI यूनिट नहीं होता, तो मैं क्या करूँगा इसको भी SI यूनिट में कर ले, क्योंकि बाद में तो काम आना ही है, देखो सीखो कि 0.25 mm को कैसे मैं SI यूनिट में करता हूँ, जो कि मीटर होती है, कुछ बेसिक सा आपको कर लेना है दिमाग में, और ये आप बचपन से पढ़ रहे हो, जैसे कि आप जानते हो कि 1 cm में 10 mm होते हैं, 10 mm होते हैं, और 1 m में 100 cm होते हैं, ये भी पढ़ा, तो क्या 1 m में 100^1000 mm नहीं होगा, होगा, और 1 mm में 1/1000 m हो जाएगा, उलट जाएगा ये, होगा ये, तो ये बस याद रखना, यहाँ पे कितनी वैल्यू है 0.25 mm है, इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करना है ना तो क्या करना पड़ेगा 0.25/3 0, ये हो गया तुम्हारा रेडियस मीटर में हो गया, और यही वाला वैल्यू हम यूज करेंगे आगे जाके। अब आते हैं, सारा कुछ उधर तैयार हो गया इंग्रेडिएंट, यहाँ पे आओ, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर, आखिर इस वायर की कितनी लेंथ होगी जो 10 ओम का रेजिस्टेंस पैदा कर दे, नहीं पता है कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ओम्स लॉ सबके दिमाग में आ रहा होगा क्योंकि हमेशा आता है, पर यहाँ पे ओम्स लॉ नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि ना करंट की बात की गई है ना वोल्टेज की, बात किसकी की गई है लेंथ की, रेडियस की, तो एरिया मतलब की एरिया, लेंथ, रेजिस्टिविटी, ये सब की बातें की जा रही है, तो मैं फॉर्मूला क्या जानता हूँ, आर इक्वल रो एल बाई ए, ये होती है फॉर्मूला, ए कैसे निकालूंगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सभी जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है, होता है ना पाई आर स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करो, ए इक्वल 22/7 × रेडियस, क्या मैंने मसाला तैयार रखा है यहाँ पे 0.25 by 1000, आप यहीं पे गलती करोगे, आप मीटर में इसे नहीं करोगे, यही दिक्कत हो जाएगी आपको करना है, और ये एरिया निकालने में तुम गलती करोगे, तो ये भी करना है आराम से करेंगे, 22/7 × देखो तो ये पॉइंट ऐसे उड़ेगा तो दो जीरो और बैठ जाएंगे, बैठेंगे ना, अब यही देखो कितने जीरो हैं, 1, 2, 3, 4, 5 जीरो हैं, तो इस 5 जीरो के को हटा के 10^5 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा, होगा ना,
और 10 का पावर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 का पावर 10 हो जाएगा, हो सकता है ऐसा। आगे आते हैं, 22 × 625, 7 × 10^10, ये आता है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ कि इसको मैं इतना ही रहने देता हूँ, क्योंकि आगे कैलकुलेशन बचे हुए हैं आपके, बचा के रखो कैलकुलेशन, इसको कैलकुलेट करेंगे हम, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब आते हैं रेजिस्टेंस निकालते हैं, रेजिस्टेंस इक्वल रो एल बाई ए है, निकालना क्या है, निकालना एल है, तो एल को अकेला छोड़ दो। एल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एल का फॉर्मूला बन जाएगा आर एस ए, एल को इधर अगर छोड़ोगे तो ए आर के साथ आ जाएगा, आर ए बाई ये रो नीचे चलाएगा, ए ऐसे चला जाएगा, रो इसके नीचे आ जाएगा, आर ए बाई रो, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है अगर लेंथ निकालनी। ये देखो ये रो है, इसको मिस्टेक मत करना लेंथ के साथ, ये रो है। L इक्वल रेजिस्टेंस कितनी है, कितनी दी गई है, 10 ओम बनाना है, 10 लिख दिया मैंने। एरिया कितना आया देखो, तो 22 बाई 7 इंटू 625 बाई 10 का पावर 10 आया है, डिवाइडेड बाई रेजिस्टिविटी कितनी है, रेजिस्टिविटी देखो क्या कहाँ पे दी गई है, 1.6 × 10^-8, 1.6 × 10^-8। इसको कैसे सॉल्व करें, अगर ये सब सारा चीज़ आ गया है तो इसको हटा दो, क्योंकि मैंने तो यहाँ लिख ही लिया है, देखो ये वाला एरिया है तुम्हारा, ये एरिया है, इसको हटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, ये सब तुमने देख लिया है। अब आते हैं आगे, देखो तो ये सारी जो 7 × 10^10 है, ये डिनोमिनेटर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो ये ऐसे लिखा जा सकता है 10 × 22 × 625 डिवाइडेड बाई 1.6 × 10^-8 इंटू 7 × 10^10, ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ से एक और चीज़ देखो, ये पॉइंट ऊपर जाएगा तो इधर 100 बन जाएगा, 1.6 था ना, पॉइंट ऊपर जाएगा तो इधर 100 बन जाएगा, ये 100 को 10^2 भी लिख सकते हो, 10^2, बारीकी से देखना, पॉइंट उड़ा यहाँ 100 हो गया, 100 को 10^2 लिख सकते हैं। इस 10^10 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10^8 × 10^2, कहीं पे भी मिस मत करना बाबू, भूल जाओगे, गुम जाओगे। 10^10 को हम 10^8 × 10^2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये अगर गुना होगा तो बेस से मैं 8 + 2 = 10, फिर से वही बन जानी है, 10^2 कैंसिल हो गया। और यहाँ पे एक और चीज़ देखो, यहाँ पे 10^-8 है, यहाँ पे 10^8 है, तो ये भी खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना, बचेंगे क्या, बचेंगे ये 22 × 625 डिवाइडेड बाई 16 × 7, यही बचेगा, इसको हैंडल कर लेते हैं, 8 × 16 होता है, 11 × 22 होता है, ये 625 8 से कटेगा क्या, ट्राई करते हैं, 8 × 7 = 56 होता है, 56 और 8 = 62 हो जाएंगे, 8 × 7 = 68 + 64, ठीक है, 56 × 6 = 62 नहीं कटेगा बाबू, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डेसिमल में कुछ रिजल्ट आएंगे। अब इसे जो कैलकुलेट करोगे ना तुम, तो तुम्हारी आ जाएगी ये 122.72, कुछ इतना लेंथ आ जाएगी, लेंथ है ना, निकाल रहे थे लेंथ, तो इतनी मीटर कुछ आ जाएगी, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये रिजल्ट होगा। एक का आंसर आ गया कि कितना है, 122.72 मीटर है लेंथ। पूछा जा रहा है हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल, अगर इसी डायमीटर को ऐसे डबल कर देते हैं, डबल कर देते हैं और लंबाई मान ली जाए उतनी ही रहती, तब तुम्हारी रेजिस्टेंस में क्या बदलाव आता, फिर से बहुत सारा कैलकुलेशन, पर आपको घबराना नहीं, बहुत सारा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, शॉर्टकट भी हम लोग कर सकते हैं, इसको जल्दी से उतार लो, बस ये दिमाग में रखो। अब सोचो कि लेंथ जो है वो तो नहीं बदल रही है, लेंथ से कोई खिलवाड़ नहीं हो रहा, तो लेंथ अगर 1.122.72 मीटर है तो इतनी ही मीटर होगी, पर डायमीटर के साथ खिलवाड़ हो जा रही है। अगर डायमीटर पहले 0.5 mm है तो अब डायमीटर कितना हो जाएगा, जस्ट दुगना हो जाएगा, तो मतलब कि 1 mm हो जाएगी डायमीटर। इसको इक्वेशन से भी बना सकते हैं, इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होगी, बस हमें करना क्या होगा, मान के चलो पहले डायमीटर d था, मान के चलो पहले डायमीटर d था, तो अब डायमीटर कितना होगा, d' होगा, और d' बराबर क्या होगा, पहले के डायमीटर के हिसाब से 2 गुना हो जाएगा, 2 × d हो जाएगा, हो जाएगा ना। मान के चलो पहले लेंथ l था, पर क्या अब लेंथ बदला है, नहीं बदला है, तो अब लेंथ L ही होगा। मान के चलो पहले रेजिस्टिविटी रो थी, तो क्या अब रेजिस्टिविटी बदली है, नहीं, क्योंकि वही मटेरियल का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये रो होगा। पहले रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता था, रो L बाई ए, ये होता था फॉर्मूला। अब अगर डायमीटर में कुछ परिवर्तन हुआ है तो अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, R' = रो L, तो वही है, L वही है,
बस एरिया बदल जाएगा। एरिया क्यों बदलेगा? क्योंकि एरिया डायमीटर पे निर्भर करती है। सोचो अगर ये बड़ा हो जाएगा तो इसका एरिया तो ज़्यादा हो जाएगा ना। एरिया कैसे निकालोगे? तो एरिया का क्या फॉर्मूला है? एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। क्या इसी को हम एक और फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं, डी बाई टू का होल स्क्वायर? क्योंकि रेडियस क्या है? रेडियस डी बाई टू है। तो यहाँ से सोचो डायमीटर में परिवर्तन हुआ है, अब डायमीटर डी नहीं रह गया है बल्कि टू डी हो गया है। हो गया ना 2D, तो अब हो जाएगा पाई 2D बाई टू का होल स्क्वायर हो जाएंगे। तो यहाँ से पाई 4D स्क्वायर बाई टू हो जाएगा। ये जो भी आ रहा है तुम्हारा एडेस आ रहा है, ये एडेस आ रहा है। ए कितना है तुम्हारा? ए इतना है, ठीक है। ए कितना है? ए इतना है। ए यहाँ पे निकाल भी सकते हैं, पाई डी स्क्वायर बाई फोर है। देख लो यहाँ पे ए अगर डायमीटर में कोई बदलाव नहीं होता तब इक्वेशन क्या आता? पाई डी स्क्वायर बाई फोर आता, डी स्क्वायर बाई फोर। पर अगर डायमीटर में बदलाव हो जाएगा तो पाई 4D स्क्वायर बाई फोर हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहाँ से क्या चुनो? पाई चुनो, डी स्क्वायर चुनो और 4 चुनो। इसी को तुम ऐसे लिख सकते हो 4πd स्क्वायर बाई 4। अब देखो तो ये वाला इक्वेशन ये किसके साथ मेल खा रहा है? ए के साथ मेल खा रहा है। देखो ये πd स्क्वायर बाई 4, πd स्क्वायर बाई 4 यहाँ भी दिख रहा है, और ये किसके साथ मेल खा रहा है? ए के साथ। तो इस पूरे चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4a लिख सकता हूँ। कहने का मतलब अब जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा ना वो पहले वाले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से 4 गुना ज़्यादा होगा। सोचो डायमीटर 2 गुना बढ़ता है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4 गुना बढ़ जाता है। तो मैं कह सकता हूँ कि अब जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कितना है? आर डैश इक्वल रो एल बाई 4a है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखो आर डैश इक्वल जो कॉन्स्टेंट है उसको ऐसे लिखो 1/4 रो एल बाई ए, है ना। ये ध्यान से देखना, अब रो एल बाई ए क्या है? यहाँ से रो एल बाई ए 4 आर है, यहाँ पे देखो आर है, यहाँ पे रो एल बाई ए कितना है? आर है। मैं यहाँ पे आर डैश इक्वल 1/4 आर लिख सकता हूँ क्योंकि ये इक्विवेलेंट था। तो यहाँ से मेरे पास एक इक्वेशन क्या आ गया कि आर डैश होगा जो अब का रेजिस्टेंस होगा वो पहले वाले रेजिस्टेंस के कितना गुना होगा? 1/4 होगा। तो आर डैश इक्वल पहले रेजिस्टेंस कितना था? सोचो रेजिस्टेंस पहले 10 था तो अब रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? आर डैश इक्वल 2.5 ओम हो जाएगा। तो आज अपने फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर सिक्स क्वेश्चन एनसीईआरटी के जितने भी न्यूमेरिकल्स थे फर्स्ट से सिक्स के बीच में वो आपने आराम से सॉल्व किया। पार्ट टू भी आएगा जिसमें सिक्स क्वेश्चन से आगे वाले क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। आपको 10th फिजिक्स की प्लेलिस्ट में वो मिल जाएगी जल्द। और अगर आपने पूरे वीडियोस नहीं देखे हैं जाके देखिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। आज के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।